हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेस्ट पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी वजह से अगर आपको कोई कॉल आता है तो वो जो है आपको पढ़ के बता देगा जी किसका कॉल है, या फिर अगर कोई मैसेज आता है तो वो पढ़ के बता देगा जी किसका जो है मैसेज आया। ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चले जी कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके और कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि मैं नए अपडेट करूंगा। तो हमेशा की तरह आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है ऑटो कॉलर नेम अनाउंसर। जैसे ही आप उसे सर्च करते हैं तो पहला नंबर जो एप्लीकेशन आता है आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 500,000 डाउनलोड हो चुके हैं, 4.4 रेटिंग आउट ऑफ 5 जो काफी अच्छी मानी जाती है। मैं इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ आपके जल्दी के लिए, तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है ये ओपन होगा। तो ये एक फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पर काफी सारे आपको एड आएंगे, आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल सेटिंग का, SMS सेटिंग्स का, ऑडियो सेटिंग्स का। तो मैं जो है पहले आपको ऑडियो सेटिंग्स पे ले जाता हूँ। तो ऑडियो सेटिंग्स पे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पीक वॉल्यूम मिलता है, तो आपको जो है इसे बढ़ा देना है जिससे कि आपको जो है स्पष्ट सुनाई दे। और यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक सेक टू स्टॉप। अगर आप जो है अपने फोन को सेक करेंगे तो ये जो है स्टॉप हो जाएगा बोलना। तो नॉर्मली इसे आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर फोन को अपने हाथ में लिए रहेंगे तो इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप सिंपली चेक कीजिएगा जो है ये स्टॉप हो जाएगा। नीचे की तरफ में यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है लैंग्वेज सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, नॉर्मली मैं इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग्स पे अब जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉल अनाउंसर जो है ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। अगर आपके केस में नहीं रहता है तो आप उसे ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर रिपीट टाइम दिया हुआ है, तो रिपीट टाइम यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, टोटल 5 टाइम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दो बार मैं रहने देता हूँ, आप चाहे तो 5 टाइम तक देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है टेक्स्ट बिफोर कॉलर, यानी आपको अगर कॉल आएगा तो ये जो है आपका स्पीक करेगा हेलो बॉस कॉल फ्रॉम आरजे टेक्निकल्स या फिर आरजे वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है इसको एंड में ये आपको बोलेगा हैव अ नाइस डे। जी हाँ, एंड में आपको हैव अ नाइस डे बोलेगा। अब यहाँ पर स्किप जो है अननोन नंबर जो है, आपको अननोन नंबर अगर बताएगा ये तो इसको एनेबल करना पड़ेगा आपको सिंपली, ये नॉर्मली एनेबल नहीं रहता है। अगर आप एनेबल कर देते हैं तो जो अननोन नंबर से कॉल आएगा तो ये आपको अननोन नंबर पढ़ के सुना देगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वही सेटिंग्स मिल जाते हैं ऑडियो वगैरह जो मैंने पहले सेटअप कर दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रीव्यू सुना देता हूँ, तो यहाँ पर मैं नॉर्मली प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। हेलो बॉस कॉल फ्रॉम आरजे टे हैव अ नाइस डे। हेलो बॉस कॉल फ्रॉम आरजे टे हैव अ नाइस डे। तो आपने देखा ये बड़े ही अच्छी तरीके से वर्क करता है और काफी अच्छा इस पर साउंड इफेक्ट है। अब चलते हैं SMS सेटिंग्स पे। तो जैसे ही SMS सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए आपका अनाउंसर नेम सेंडर नेम दिया हुआ है, आप सिंपली इसे ऑन रखिएगा, ये ऑन ही रहता है नॉर्मली। अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीड मैसेज कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर अगर आपका जो मैसेज आता है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट रहता है वो आपको सिंपली ये रीड करके बताएगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये रीड करके नहीं बताएगा, तो नॉर्मली ये ऑन रहता है। अगर आप चाहते हैं ऑन रखना तो रख सकते हैं या फिर ऑफ रखना रख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर रिपीट टाइम फिर से वही दिया हुआ है 5 तक, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। यहाँ पर हेलो बॉस मैसेज फॉर्म दिया हुआ हैव अ नाइस डे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं कॉल के वगैरह में भी या फिर मैसेज के वगैरह में, आप जिसमें भी चेंज कीजिएगा दोनों में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हेलो बॉस मैसेज फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 32 वर्ड्स के अंदर में होना चाहिए, यहाँ पर 24 वर्ड है, 32 वर्ड्स के अंदर में होना चाहिए। नीचे की तरफ में वही सेम केस है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही है स्किप अननोन नंबर, अगर आप चाहते हैं तो ये सिंपली ऑन कर दीजिएगा, नहीं चाहते तो नहीं ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कॉल करके बता देता हूँ जी कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं dot, dot. Hello, boss. Call from RJ Tay. Have a nice day. Hello boss. Call from RJ Tay. Have a nice day. तो देखना आप ने ये ऐप कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना जो है भूल जाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।